प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 की ईवीएस की बुक के फोर्थ चैप्टर मिलकर करें सफाई को रीड करेंगे, पढ़ेंगे। तो आज हम इस पाठ में किस विषय पर पढ़ेंगे? साफ सफाई के बारे में। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम पाठ को। आपको ध्यान से सुनना है पाठ को, ठीक है? हमारे विद्यालय में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जा रही थी। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है ना, हर वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्मदिन पर गांधी जयंती मनाते हैं ना। तो 2 अक्टूबर को क्या मनाई जाती है? गांधी जयंती। इस दिन पूरे भारत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी जगह साफ सफाई चल रही थी। विद्यालय में भी स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाया गया। तो आपके स्कूल में भी मनाया जाता है ना ऐसे स्वच्छता अभियान? गंगा ने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। संपूर्ण सफाई होने के बाद गंगा ने देखा कि विद्यालय बहुत ही सुंदर लग रहा था। गंगा ने घर जाकर अपनी माँ को बात बताई और कहा कि माँ, घर की सफाई करने में भी आपकी मदद करूंगी मैं। तो आप ये चित्र देख रहे हैं? तो बच्चे इसमें क्या कर रहे हैं? विद्यालय की साफ सफाई कर रहे हैं। पहले ये साफ सफाई कर रहे हैं, दूसरे में देखिए कितना सुंदर विद्यालय दिख रहे हैं ना, साफ सुथरा एकदम क्लीन। तो हमें क्या करना है? स्कूल को भी साफ रखना है, अपने घर को भी रखना है। ओके, क्योंकि स्कूल भी तो हमारे घर जैसा होता है। तो आधा दिन तो हम स्कूल में ही रहते हैं, तो सफाई में हमें रहना चाहिए जहां भी हम रहते हैं। तो बच्चों, अभी मैं हम इस वीडियो में ओनली पार्ट को रीड करेंगे, पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन आंसर है ना, वो हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर हम इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्वेश्चन आंसर बहुत बड़े होते हैं, तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इससे ना तो आपको पार्ट समझ आएगा, ना ही क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों, याद रखिएगा कि हमें अगली वीडियो भी देखनी है जिसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है? अभी तो हम ओनली इस पार्ट को पढ़ेंगे। एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। इसका उद्देश्य गलियों, सड़कों व सार्वजनिक स्थल को साफ सुथरा करना है। तो यहाँ पर बच्चों, सार्वजनिक गलत लिखा हुआ है, आप अपनी बुक में सही कर लीजिएगा, ठीक है? यह अभियान महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया। तो स्वच्छता अभियान कब से स्टार्ट हुआ है, कब से शुरू किया गया है? 2 अक्टूबर 2014 को। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है? जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, तब आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। कुछ दिनों बाद गंगा जब विद्यालय के लिए चली, तो उसने देखा कि गली मोहल्ले में कचरे का ढेर लगा हुआ है। चारों तरफ क्या हो रहा है? गंदगी गंदगी हो रही है। उसे अच्छा नहीं लगा। विद्यालय जाकर उसने अपनी कक्षा में इस बात की चर्चा की, बातचीत अपने फ्रेंड्स से की, साथियों से की, जो उसके क्लास में पढ़ते थे ना, जो उसके दोस्त थे, सबसे की। गंगा ने बताया कि हम सब अपने स्कूल घर आदि को तो साफ रखते हैं, पर गली मोहल्ले तो गंदे हैं। ऐसी सफाई से क्या फायदा? कई लोग पता है क्या करते हैं बच्चों, अपना घर अंदर से साफ कर लेते हैं और जो कूड़ा होता है ना, सड़क पर डाल देते हैं। तो बच्चों, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस तरह से हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना होता है ना, गली को भी साफ रखना होता है, मोहल्ले को भी साफ रखना होता है। इसी बीच हरीश झट से बोला, जल्दी जल्दी बोला कि ये हमारा काम तो नहीं है, इस संबंध में हम क्या कर सकते हैं? तो ये कुछ क्वेश्चन है बच्चों, ये हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे एक शुरुआत। बच्चों, आप टेंशन मत लो, सभी क्वेश्चन करवाएंगे आपको हम अगली वीडियो में, ओके? गंगा बहुत खुश थी। आज उसके भाई भाभी आने वाले हैं जो शहर में रहते हैं। वह जल्दी घर पहुंची। भाई भाभी उसके लिए बहुत सारे उपहार लाए, बहुत सारा सामान लाए गंगा के लिए। उनके आने से सभी बहुत खुश थे।
थोड़ी देर बाद भाभी ने पूछा कि शौचालय कहाँ है। तो बच्चों आपको नहीं मालूम होगा ना शौचालय का अर्थ क्या होता है, तो टॉयलेट होता है, क्योंकि अपने इतनी प्योर हिंदी नहीं बोलते ना, तो शौचालय का अर्थ होता है टॉयलेट। तो उसकी भाभी ने पूछा कि मुझे टॉयलेट जाना है तो टॉयलेट कहाँ है, तो गंगा ने बताया कि घर में तो शौचालय नहीं है, भाभी खुले में शौच जाने को तैयार नहीं थी। तो गांवों में क्या होता है, आजकल भी घरों में टॉयलेट नहीं होती तो लोग बाहर जाते हैं। तो भाभी का कहना था कि हम घर एवं बाहर घूंघट निकालते हैं तो खुले में शौच कैसे जाएं। तो जैसा कि आपको बच्चों पता ही है ना, औरतें हैं जो महिलाएं हैं वो सर पर दुपट्टा रखती हैं और घूंघट निकालती है। तो भाभी कहती है कि जब हम घर में रहते हैं या बाहर जाते हैं तो घूंघट निकाल के जाते हैं, तो शौच के लिए बाहर कैसे जाएं खुले में, यह तो अच्छी बात नहीं है। तो बहू की बात सुनकर दादाजी ने कहा, वह बिल्कुल सही कह रही है, बहू बिल्कुल सही बात कह रही है, आज ही कारीगरों को मिस्त्रियों को बुलवाओ और घर के अहाते में शौचालय बनवाओ, हमारे घर में ही टॉयलेट बनवाई जाए। आजकल तो शौचालय बनवाने के लिए सरकार सहायता भी देती है, पैसे देती है। गंगा के घर शौचालय बनता देख गांव के अन्य सभी लोग भी अपने यहाँ शौचालय बनवाने लगे। इसी तरह देखिए गांव में पूरे हर घर में शौचालय बनने लग गया, पहले नहीं था, लेकिन गंगा की भाभी की बात सुनकर सबको लगा कि नहीं, घर में शौचालय होना चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे कि सफाई आदत हो दिखावा नहीं, हमें सफाई अपने लिए रखनी है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं रखनी है। अगर हम गंदगी में रहेंगे तो बीमार हम होंगे ना, तो इसलिए हमें सफाई की आदत डालनी चाहिए। तो आगे हम पढ़ते हैं, गंगा के भाई भाभी चंडीगढ़ यात्रा कर लौटे थे, उन्होंने उसे वहां के बहुत से फोटो दिखाए। आप देखिए ऊपर चित्र में ये फोटो दिए हुए ना, पहले में देखिए, आजकल ऐसी सफाई मशीनें आने लगी हैं जो गलियों को साफ रखती हैं, दूसरे में देखिए आधुनिक पोचा है और ये सफाई कर रहे हैं, ये स्वच्छ शौचालय है, साफ सुथरा टॉयलेट है, और ये घर भी देखिए साफ सुथरा है। तो भाभी ने उसे बहुत सारे पिक्चर्स दिखाई, फोटो दिखाए, तो गंगा ने देखा कि सभी जगह बहुत ही साफ सुथरी थी। अब वह विचार करने लगी, सोचने लगी कि हमारे घर तो छोटे हैं और सब जगह इतनी सफाई नहीं है। भाई के मित्र जिसके घर भाई भाभी जाकर लौटे थे, कुछ दिनों बाद गांव आने वाले हैं, ऐसे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। उसने भाभी से इस संबंध में बात की, भाभी समझदार थी, उसने गंगा को समझाया, छोटे बड़े घर से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है, बस सफाई जरूरी है। घर चाहे छोटा है या बड़ा है, हमें क्या रखनी चाहिए, सफाई रखनी चाहिए। यह फर्क नहीं पड़ता कि हमारा घर तो छोटा है उनका बड़ा है, यह किसी को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, वरन यह हमारी आदत का हिस्सा होनी चाहिए। सफाई करने वाला श्रेष्ठ है, कचरा फैलाने वाला नहीं। तो सबसे अच्छा कौन होता है, सफाई रखने वाला, जो कचरा फैलाता है उसे अच्छा नहीं मानते हैं। तो भाभी के समझाने पर गंगा और उसकी सहेलियों ने सफाई को अपनी आदत बनाने के लिए कुछ संकल्प लिए। पहला संकल्प क्या था, अब हम अपनी कक्षा में कागज पेंसिल के छिलके टॉफी के रैपर आदि नहीं फेंकेंगे। तो बच्चों क्या आप अपनी क्लास में ऐसा करते हो, नहीं करते ना, फिर तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आपको भी स्कूल में घर में ऐसे गंदगी नहीं फैलानी है। ओके, हम दीवारों फर्श अथवा फर्नीचर पर नहीं लिखेंगे और उन्हें गंदा नहीं करेंगे, हम जगह जगह नहीं थूकेंगे और कचरा भी नहीं फेंकेंगे, हम रोज नहाएंगे और साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, हम प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करेंगे, हम हमारी गली मोहल्ले घर स्कूल एवं सार्वजनिक स्थानों पर सफाई में पूरा योगदान करेंगे। जब हम बाजार में सब्जी किराने का सामान आदि खरीदने जाएंगे तो कपड़े का थैला जरूर साथ लेकर जाएंगे, अगर आप थैला नहीं लेके जाएंगे तो वो थैली में देंगे ना, पॉलीथीन की थैली में,
जो कि हमारे लिए नुकसानदायक होती है। ये हमारे लिए नहीं बल्कि जीव जंतुओं को भी नुकसान पहुंचाती है। अगर गाय उन्हें खा ले तो क्या हो जाता है, अंदर जाकर उनके इकट्ठी हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में, ठीक है। तो गांधी जी के आश्रम में कोई भी व्यक्ति जाता तो उसे दैनिक कार्य में सर्वप्रथम शौचालय साफ करने का कार्य दिया जाता था। तो गांधी जी का एक आश्रम था, ठीक है बच्चों। तो जब भी कोई वहां पर आदमी आता ना, तो गांधी जी सबसे पहले उनको क्या काम करवाते थे, शौचालय साफ करवाते थे, टॉयलेट साफ करवाते थे। वह व्यक्ति जब इस कार्य को अच्छी तरह से कर लेता, उसके पश्चात उसके बाद ही उसे दूसरे कार्य करने के लिए दिए जाते थे, क्योंकि गांधी जी, महात्मा गांधी जी, स्वच्छता और सफाई को सर्वाधिक महत्व देते थे। आज हमारे सारे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सड़कें, स्टेशन, बस स्टैंड आदि साफ सुथरे मिले। घरों में कूड़ा पात्र होना चाहिए, डस्टबिन होना चाहिए, साथ ही कचरे का पुनः चक्रण द्वारा निस्तारण करना आवश्यक है। जो कचरा हमारे दोबारा काम आ सकता है वो हमें यूज में लेना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने पाठ में क्या पढ़ा, साफ सफाई के बारे में पढ़ा ना। तो स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई आवश्यक है। हमें अपनी सफाई स्वयं करनी चाहिए। सफाई दिखावा नहीं बने बल्कि हमारी आदत बन जाए। शौचालय में ही शौच करना चाहिए, खुले में नहीं। तो बच्चों, अब हमारे इस पाठ के कुछ क्वेश्चन रह गए हैं जो आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। अभी तक हमने 3 चैप्टर कर लिए हैं आपके इस बुक के, उनके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक आप इस पार्ट को रीड करके रखिएगा। और हाँ, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना पार्ट के अलावा भी, क्योंकि आपकी बुक के बाहर क्वेश्चन बहुत कम दिए होते हैं, तो पार्ट के अंदर से क्वेश्चन बनाए होते हैं, तब तक हम अंदर से क्वेश्चन बनाकर लाते हैं, ओके। और फिर अगली वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों, हमने सभी सब्जेक्ट पर आपके हिंदी, मैथ, इंग्लिश और ईवीएस तो आप कर ही रहे हो ना, तो हमने सभी सब्जेक्ट पर आपके वीडियो बना रखे हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में चारों सब्जेक्ट आते हैं, तो आप चारों सब्जेक्ट इसी चैनल पर पढ़ सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या करनी है, इसके क्वेश्चन आंसर, ओके। आपको दोनों वीडियो देखनी है, ठीक है बच्चों। बाय, थैंक यू।